नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का किया विरोध। पूरे जिले में कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन और मार्गदर्शन में तेजी से बढ़ रही महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों का विरोध किया गया। जिले के कांग्रेसी विधायकों, नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर छतरपुर महिला एवं यंग ब्रिगेड सेवा दल के नेतृत्व में महोबा रोड स्थित महतो पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला सेवा दल की जिलाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी दीप्ति पांडे ने संबोधित किया। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। महिला सेवा दल कांग्रेस ने किस बात पर विरोध किया है? आज बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दामों में, रसोई गैस की कीमतों की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में, सरसों के तेल के विरोध में हम सब लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी जी की जन विरोधी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। आज मध्यम वर्गीय परिवार और को बिल्कुल ही धराशायी कर दिया है मोदी जी ने, और आज भारत के नागरिकों के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या रही ही नहीं। अब वो सिर्फ इस बात पर निर्भर कर गए कि हम अपना जीवन यापन कैसे चलाएं, हम दाल रोटी कैसे खाएं। ये मोदी जी की तानाशाही नीतियों का दुष्परिणाम है जो आज पूरा भारत भोग रहा है। आपकी मांगों का मोदी सरकार ने नहीं मानी, तो आप आगे क्या प्रदर्शन करेंगे? देखिए, मैं पहले बात बता दूं कि ये मांग पूरे भारत के युवाओं की, माताओं, बहनों की, भारत के हर नागरिक की है, क्योंकि आज इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पूरा खत्म हो चुका है, आम आदमी के पास कुछ भी नहीं बचा, घर घर में आज दाल रोटी खाने के लिए लोग मोहताज हैं, और केवल अपने उद्योगपति मित्रों का भला मोदी जी ने किया है। तो अगर ये मोदी जी ने महंगाई कम नहीं की तो ये भारत की जनता उन्हें सिंहासन से उतारना भी जानती है, और हम सब निरंतर उनकी जन विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। आज पूरा कांग्रेस परिवार सड़कों पे है और कुछ दिन बाद ये पूरे भारत की जनता कांग्रेस का साथ देकर सड़कों पर होगी उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। दूसरी ओर देखा जाए कि हर जगह पेट्रोल डीजल सस्ता है, अपने मध्य प्रदेश में क्यों महंगा है? देखिए, स्वाभाविक के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने छल और बल से सत्ता हासिल की। जब उन्होंने विधायकों को खरीदा है तो उसकी भरपाई वो जनता से ही करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। वो अभी उनके मंत्री उलझलूल बयान देते हैं, वो घोषणा वीर है, उनके मंत्री वाइट वीर कहलाने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे तेल में मिलावट नहीं है इसलिए महंगा हो गया। ये बेवकूफाना जवाब जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं, भारत को क्या बेवकूफ समझ रखा है? और अगर आपने मध्य प्रदेश को बचाना है तो आज आपका ये परम दायित्व तो बनता है कि महंगाई को आप कम करें और भारत के नागरिकों का जीना थोड़ा सा आसान करें।